नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट से एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 52 लाख की ऑडी में बैठकर सब्जी बेचने जाता किसान, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। रबी की अगेती फसल के लिए पूसा ने जारी की एडवाइजरी, फसलों को नहीं होगा नुकसान। खाद के लिए जूते चप्पलों की लगी लंबी कतार, गुजरात के कच्छ से जारी हुआ वीडियो। पंजाब के कृषि मंत्री ने दी जानकारी, 16 अक्टूबर को आ सकती है नई कृषि नीति। करनाल में कम हुई पराली जलाने की घटनाएं, पराली प्रबंधन की ओर ध्यान दे रहे हैं किसान। जब भी हम किसान की बात करते हैं तो सबसे पहली तस्वीर जो लोगों के दिमाग में आती है वो एक गरीब और लाचार किसान की होती है। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सारे किसान गरीब हों या फिर वो वैसे ही दिखाई दें या उनका रहन सहन गरीबों जैसा ही रहे। लेकिन हम तो सिर्फ कह रहे हैं, हकीकत में इस बात को साबित कर दिखाया है केरल के रहने वाले एक प्रगतिशील करोड़पति किसान ने, जिनके एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। दरअसल किसान सुजीत किसी आम किसान की तरह ट्रैक्टर ट्रॉली में अपनी सब्जियां बेचने नहीं निकलते, बल्कि वो एक ऑडी कार में अपनी सब्जियों को बेचने के लिए बाजार जाते हैं। उनके एक ऐसे ही वीडियो ने देश के कई किसानों को प्रेरित किया है। सुजीत देश के उन किसानों में से एक हैं जो आधुनिक तकनीक को अपनाकर खेती में सफलता हासिल कर रहे हैं। जब लोग उन्हें ऑडी से उतरकर सब्जी बेचते हुए देखते हैं तो सभी दंग रह जाते हैं। सुजीत अपने इलाके में काफी चर्चित भी हैं और सोशल मीडिया पर उनकी प्रोफाइल भी है, जहां वो अपनी खेती से जुड़ी तस्वीरों को शेयर करते रहते हैं। यहां तक कि जो लोग उनसे सब्जियां खरीदने आते हैं वो सुजीत के साथ सेल्फी भी लेते हैं। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। हाल ही में पूसा के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों के लिए खास एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें अगेती रबी फसलों की तैयारी कर रहे किसानों को जरूरी सलाह दी गई है। जैसे खेत की जुताई करने के बाद किसान पाटा जरूर लगाएं, वहीं बीज उपचार के लिए किसान कवकनाशी, केप्टान या फिर थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उसका उपचार करें। इसके बाद फसल विशेष राइजोबियम का टीका जरूर लगाएं, साथ ही गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर लें और राइजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करके सूखने के लिए किसी छायेदार स्थान में रख दें। उसके बाद अगले दिन बुआई करें। वहीं वैज्ञानिकों द्वारा सरसों की अगेती बुआई के लिए पूसा सरसों 25, 26, 28, पूसा अग्रणी, तारक, पूसा महक आदि के बीज की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को इस मौसम में खेतों की नियमित रूप से निगरानी करने की भी सलाह दी गई है। यदि फसलों व सब्जियों में सफेद मक्खी या चूसा कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो 1 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड दवाई 3 लीटर पानी में मिलाकर आसमान साफ होने पर इसका छिड़काव करें। इसी के अलावा इस मौसम में धान की फसल में तनाछेदक कीट की निगरानी के लिए प्रति एकड़ में 4 से 6 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। अक्सर खाद्य या उर्वरकों की खरीद के लिए हमने किसानों को लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते तो देखा है, लेकिन कड़कती धूप में आखिर किसान भी कितने ही घंटों खड़े रह सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की नाकाम व्यवस्था को जूता दिखाते हुए किसानों ने अपने जूते चप्पलों से ही एक लंबी लाइन बना दी। दरअसल हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले की रापड़ तहसील स्थित एक खाद वितरण केंद्र पर कुछ किसान खाद लेने पहुंचे थे, जहां कुछ दिनों के अंतराल के बाद एक साथ खाद वितरण का काम शुरू किया गया, जिसकी वजह से एक बड़ी संख्या में किसान एक साथ खाद लेने पहुंच गए और धूप में खाद लेने के लिए खुद खड़े होने की बजाय उन्होंने अपने जूतों और चप्पलों की एक लंबी कतार लगा दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। मामले को लेकर कच्छ के किसानों ने बताया कि वर्तमान समय में रापड़ तालुका में 3 स्थानों पर खादों का वितरण चल रहा है। हालांकि किसानों के बीच ये आम राय है कि यदि सरकार की कृषि विभाग द्वारा डिस्पैच वितरण प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तो किसानों को खाद लेने में आसानी होगी। किसानों का यहाँ तक ये भी कहना है कि डिस्पैच में आने वाली दिक्कतों की वजह से किसानों को खाद लेने में समस्या हो रही है, खाद समय पर नहीं बांटे जाते, जिसकी वजह से किसान एक साथ वितरण केंद्रों पर पहुंच जाते हैं और ये समस्या तभी सुलझेगी जब वितरण की प्रक्रिया को सुधारा जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा जल्द ही प्रदेश की नई कृषि नीति को लागू किया जा सकता है, जिसको लेकर हाल ही में आई खबरों के मुताबिक पंजाब की भगवंत मान सरकार
16 अक्टूबर को बंदा सिंह बहादुर की जयंती के दौरान इस नीति को जारी करने की योजना बना रही है। दरअसल लुधियाना एग्रीकल्चर पॉलिसी तैयार करने का काम लगभग पूरा हो चुका है और इस पॉलिसी को 16 अक्टूबर को बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्मदिन के मौके पर रिलीज किया जाएगा। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस भी मनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस पॉलिसी की मदद से पंजाब की कृषि को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद मिल सकेगी। इस बात की जानकारी देते हुए हाल ही में राज्य के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़निया ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कहा है कि मंदहाली छोटे किसानों के लिए होती है और खुशहाली जमींदार के पास होती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को साथ मिलकर चलने और उनके विकास के लिए काम करना होगा। बता दें कि कृषि मंत्री यहां 2 दिवसीय किसान मेले और गुरु अंगद देव वेटरनरी व एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी में पशुपालन मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने 4 प्रोग्रेसिव किसानों को भी सम्मानित किया। हरियाणा व पंजाब में खास तौर पर पराली जलाने को लेकर सरकारें सख्त होती दिखाई दे रही हैं। बावजूद इसके कई जिलों में अभी भी किसान फसल अवशेष जलाने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन हाल ही में हरियाणा के करनाल जिले के किसान पराली प्रबंधन के प्रति जागरूक नजर आ रहे हैं। जिले में पराली प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का असर किसानों पर दिखने लगा है। किसान पराली प्रबंधन के तरीकों को अब तेजी से अपनाने लगे हैं। इसका असर ये हुआ है कि अब जिले में पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी दर्ज की जा रही है। करनाल जिला प्रशासन भी इस बात का दावा कर रहा है कि सरकार के प्रयासों का ही असर है, इसके कारण पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है और आगे और भी कमी आने की उम्मीद जताई गई है। दरअसल किसानों का कहना है कि पराली जलाने की बजाय बीते कुछ समय से उन्होंने पराली प्रबंधन करना शुरू किया है, जिसकी वजह से उन्हें न केवल खेती में लाभ हो रहा है बल्कि वो पराली की काठों को बेचकर अतिरिक्त आय भी ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। नमस्कार।